भाई साहब ये है जगह वाले पुराने घर है दरअसल जो टूटे पड़े। दादी रहती है इस गांव में अकेले। 9 साल हो गए इनके लड़के का अता पता नहीं है, कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। जब मैं गया था ना ये नहीं था दरअसल यहाँ पे। और ये देखो अभी ताजा ही है। देखो दोस्तों क्या हाल चाल, काफी टाइम से ना मैं खुलगाड़ गांव में आने की सोच रहा। मैंने सिमाल वाली वीडियो में भी बताया था, इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें कि मैंने यहाँ तक का रास्ता बताया कितना मुश्किल है कितना खतरनाक है। क्योंकि यार यहाँ पर ना कोई रोड नहीं है कुछ नहीं है बिल्कुल, मतलब इस तरीके से कि जैसे पुराने लोग रहा करते थे ना वैसी अभी भी सिचुएशन है। अभी के टाइम पर मैं गांव में तो पहुंच गया हूँ। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले एक खेत में यहाँ पर सरसों खिली है, बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। कि पूरी की पूरी जो जमीन है ना पूरी उसी तरीके से बंजर हो रखी है जैसे हमारे यहाँ की हो रखी है। गाँव यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ से आपको सबसे पहले जैसे आप गाँव में पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर एक कुछ मतलब टूटे घर दिखना शुरू हो जाएंगे। बताओ यार ये पुराने घर है, तो ये वाले पुराने घर है दरअसल जो टूटे पड़े हैं। ये अभी घर सही सलामत है अच्छी तरीके से, शायद इसकी रिपेयरिंग हो रही है धीरे धीरे ना, मेंटेनेंस हो रहा है तो इसकी वजह से। बाकी घर देख सकते हैं घर बिल्कुल कैसे टूटे पड़े हैं यार। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये घर दरअसल शायद गिरने वाला है और इसके नीचे यहाँ पर ये पिलर लगा रखा है और अंदर वाला गिर रखा है वैसे भी, तो ये पिलर लगा रखा है। बताओ पिलर लगा के इसको खड़ा कर रखा है यहाँ पे। और जिनसे यहाँ पर मैं मिलने आया था बेसिकली, एक बार देखते हैं अगर वो मिलते हैं तो अच्छी बात है। साथ में आपको यहाँ का गाँव दिखाते हैं। बच्चियाँ मुझे देखकर डर रही है, दरअसल उन्होंने बाहर के लोग देखे नहीं है, थोड़ा बहुत माल्टे हो रखे हैं। और यहाँ पर ये देखो ये है पलखुंड भाई। घास को स्टोर करने का तरीका कि यहाँ पर जिस तरीके से पहाड़ों में घास को स्टोर किया जाता है ना वो कुछ ये तरीका दरअसल। अब ठंडियों का एक्सट्रीम टाइम आता है तो उस टाइम पर घास रहती नहीं है, तो उस टाइम पर ना इसको खिलाया जाता है। नमस्ते, ठीक छा यहाँ? बस बढ़िया बढ़िया। कुत्ता तो नीच अंकित तिमल खा ले। एक दादी रहती है इस गांव में अकेले, वो मतलब ताई रहती है, मतलब बोड़ी, हम बोड़ी कहते हैं अपनी भाषा में। उसकी लड़का नहीं आई वो। हाँ इनका लड़का कहीं बाहर रहता है तो उनसे मतलब संपर्क है ही नहीं, संपर्क नहीं ना उसे। कहाँ गई? हाँ किसी को मतलब पता नहीं है कि इनका लड़का कहाँ रहता है क्या रहता है। कल साल बटे नहीं आया? 9 साल भाई साहब 9 साल हो गए इनके लड़के का अता पता नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट भी नहीं हुआ। अच्छा पता हुआ। तो ताई कह रही है कि 9 साल बाद इनके लड़के का पता चला है। 9 साल बाद पता चल कि कक्ष पांच लोग रहते हैं, मतलब 4-5 लोग रहते हैं यहाँ पे तीन परिवार में, ठीक है। और ये इनका एक घर है, एक उस साइड में एक उसके दूसरी साइड में, और यहाँ पर ताई अकेला। तुम बोर नहीं दे क्या करे मेरे लड़का कहाँ गई? इनका लड़के का दरअसल अब कांटेक्ट हो गया, अब जाएंगे बोला 9 साल बाद। तो ये भी बहुत परेशानी वाली चीज़ है कि मतलब उनके लड़के का पता ही नहीं था इतने टाइम से। एक इनका ये घर है जो अभी सही सलामत है, और जब मैं लास्ट टाइम पर आया था उस टाइम पर ये वाले घर भी सही थे भाई, उस टाइम पर टूटे नहीं थे। अब देखो अब मतलब टूट गया यार एक वाला घर तो है ताई, ये तो उजड़ गया मतलब यार इस गांव के देखने बोलो देखना समस्या को तू है देना ये देख रहे हो गांव मतलब घर ये है, झाड़ियां यहां से हो रखी है भाई साहब। तो ये तो बाग है, भूख डर हुंदोली बाग बाग की बाग का डर। अभी डी बाग है यहां सक्सी नहीं बेटा, ये हां डी बाग की देख रहे हो। मैं कह रहा था ना इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था ना मैंने कि पीछे मतलब एक जगह में बाग घूर रहे हैं, मतलब कि अभी बोला दो गए यहां से ना, अभी गए जस्ट ताई ने अभी देखा अभी गए खेत में भी है वहाँ खेत में तो गाय इस साइड से गए बोला अभी के टाइम पे ना। हाँ, तो बताओ यार मतलब कि आप लोग रहते कैसे हो यहाँ पे इस जगह पे, बाग है झाड़ियाँ है उसको क्या का समस्या है बोल। हाँ समस्या ही है भाई, रोड नहीं है यहाँ पर, सरकार ने ना एक बिजली का पोल दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये एक बिजली का पोल है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब पानी भी नहीं है, रोड तो है ही नहीं, रास्ते भी नहीं है यहाँ पे आने के, मतलब बने नहीं है। जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना वो तो शुक्र है कि उस टाइम पे पाइपलाइन बन गई, ठीक है, वो पांग गांव के एकेश्वर की पाइपलाइन बन गई जिसकी वजह से यहाँ पर आने का रास्ता बन गया। अदरवाइज वो नहीं बनता तो भाई यहाँ पे आने का रास्ता भी नहीं था और कोई आता भी नहीं इस जगह पे। कि ये इनके बंजर खेत और एक घर जो ताई का वो है, एक ये है और एक भाई का वो है। तो मुझे आज यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर ही आया था मैं। और ताई कुछ बोलो
समस्या है आप लोगों की गांव की? समस्या है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ रास्ते है, देखना हमने काम कुछ लोग काम करे, हमको क्या लेते हैं। इनके पास मतलब सरकार से ना दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिलती है भाई, इनको नहीं मिलती है ना कुछ नहीं है, किसान पेंशन भी नहीं, कुछ नहीं, किसान पेंशन भी नहीं मिलती है, दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती है, जो मनरेगा और ये सब चीजें आती है वो भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ दिहाड़ी भी जो काम करे वो दिहाड़ी नहीं आई। समस्या ये है ना कि गांव में पॉपुलेशन भी नहीं है, लोग ही नहीं है, चार पांच लोग है तो उसमें सरकार भी कितना खर्चा करेगी, लेकिन यहाँ तक मतलब ये लगाओ कि मतलब कि आप इतने ज्यादा इंटीरियर में आओगे ना इस गांव में आने के बाद में, जहाँ पर आपको रास्ता रोड पानी नहीं मिलेगा भाई, जो बेसिक चीज है ना यहाँ पे लेटरिंग बाथरूम ये सब चीजें, तो उसकी सुविधा भी नहीं है। ओबीसी बात है, पानी बहुत दूर से लेके आते हैं, तो कहाँ से लेके आएंगे इसके लिए भी नहीं पता कहाँ है इनका, वो वहाँ वो हल्की सो खाई सी दिखाई दे रही है, वहाँ से पानी लेके आते हैं ये लोग इतनी चढ़ाई पे यहाँ पे, बताओ भाई साहब। और ये पूरा कितना घना जंगल है गांव के सामने से, और कुछ 10-12 खेत कर रखे हैं यहाँ पे, और इनमें सरसों बो रखी है बस, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत। तो ये बिल्ली भाग गई बताओ, और यहाँ पे चिनखियाँ ताप रही है घाम, मतलब ये धूप सेक रही है, और कितनी प्यारी हैं यार है? ये देखो, दो दरअसल हम यहीं से लेके गए थे, जो हम भी लेके गए ना वो यहीं से लेके गए थे, तो उन्हीं के पैसे देने आया था मैं यहाँ पे, मैं सोचा यार जब यहाँ पर आए हैं तो इस जगह को भी दिखाते हैं। ये है गौशाला, अब अंदर थोड़ा सा वो नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, लाइट नहीं है, तो लाइट की वजह से दिखने में दिक्कत होगी, कुछ पुरानी तरीके से ऐसे बनते हैं गौशालाएं, जो पुरानी गौशालाएं होती हैं, और यहाँ रहती हैं बकरियाँ, ये तख्ते लगा रखे हैं और इनके ऊपर में रहते हैं। तो ये थी गौशाला, और ये बना रखा है बाहर का किचन, तो यहाँ पर उस साइड में चूल्हा लगा रखा है, बताओ यार मतलब कि बेसिक जो नेसेसिटी वाली चीज़ें होती है ना वो भी नहीं है भाई इन लोगों के पास में, तो बेसिक चीज़ें बताओ यार। गाड़ी पकड़ो को जबरोल जन है, कदा किलोमीटर से गोटी 6-7 किलोमीटर हो, जो यहाँ से रोड है ना सबसे नज़दीक जहाँ पर कि ये लोग गाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं, कहीं भी अगर जाना हो तो गाड़ी में जाते हैं, तो वो जगह यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, और इन जंगलों से होते हुए जाते हैं, इन जंगलों से जहाँ से कि वो पाइपलाइन आ रखी है ना, बस उसी की वजह से यहाँ का रास्ता बन गया, नहीं तो नहीं था रास्ता आप लोगों का ना। बाकी ये गांव है, कुछ गायें रखी है, घर भी देखो घरों की कंडीशन क्या हो रखी है, बिल्कुल और यहाँ पर जैसा हमारे घर पे होता पानी गर्म कंटर में यानी कि कनस्तर में, उसी तरीके से पानी गर्म हो रहा है भाई। ये तो हर जगह पे मिलेगा पहाड़ों का, और यहाँ से ये कितना खूबसूरत दिखाई देता, लेकिन खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ गांव ऐसा है कि जहाँ पर बहुत ही मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें, जैसे कि उनमें से एक ये गांव है जहाँ पर कि बेसिक चीज़ें भी नहीं है। एक यहाँ पर इनकी गौशाला है, एक और इस पर भी लिखा है यहाँ पर अंग्रेजी में वेलकम, गायों का स्वागत है। और ये देखो गौशाला कुछ, भाई साहब ये है जगह, कितनी प्यारी बना रखी है देखो, मतलब पूरा जो वेट है ना इसका, वेट मैनेजमेंट है वो बीच वाले खंबे पे, यानी कि ये जो ये खंबा है ना इस पर मैनेज कर रखा भाई पूरा वेट, स्किल तो बहुत है भाई भर भर के। और यहाँ पर ये दो हल रखे हैं जिससे कि खेती करी जाती है यहाँ पे ना, इसे हम निसड़ू कहते हैं, इसे हम कहते हैं हल, इसको कहते हैं लाठ जो लंबी जा रखी है, और ये जो है ये इसे ज्यू कहते हैं दरअसल, ठीक है। और इस साइड में बैलों के कंधों पे रखते हैं इसे, और तब उसके बाद में यहाँ ये जो निसड़ू है ना, निसड़ू ये फाल भी कहते हैं कई जगह पे, और ये जो लोहे का लगा है इसको कहते हैं बाणू, तो इससे पूरी जमीन को चीरा जाता है। और ये है दंदोल, यानी कि ये काम आता है, आप मतलब फसल उग जाती है ना उसमें बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है फसल, या फिर उसमें खरपतवार होना शुरू हो जाता है, तो उस केस में इससे उस खरपतवार को निकालते हैं। ये भाई साहब ये है जगह, बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी। अभी चलते हैं इनके पंदेरी की तरफ में, वहाँ पे थोड़ा इनका पंदेरा दिखाते हैं, मतलब कि इतनी मुश्किल है यार, मतलब मैं अपना खुद सोच रहा हूँ कि हमारे गांव में तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इन लोगों के पास में तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, ना तो दिहाड़ी है ना मजदूरी है, लोग पूरे पता डिपेंडेंट किस पे हैं, खेती भी नहीं है यहाँ पर, खेती भी नहीं कर रखी क्योंकि ये जंगली एरिया है, तो जानवर रखते नहीं होंगे खेती में कुछ भी, मतलब ये सुअर हो गया, ये जंगली वो हिरन हो गए,
ठीक है, जंगली बकरियां हो गई, वो तो चर जाती होंगी यहाँ से। मतलब कि जो पूरा डिपेंडेंसी है ना वो सिर्फ जानवरों पे, कुछ के लोगों की बकरियां होंगी, कुछ के लोगों की गाय बैल होंगे, बस यही है। एक दूसरे का मतलब जैसे खेतों में हल लगा के कमा लिया, यही चीज़ें हैं। ना तो दिहाड़ी आती है यहाँ पे, मतलब रोज़गार आता है काम करने का, रोज़गार भी नहीं है, कोई किसी को पेंशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती है, कोई नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं है इनके पास में। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार कि मतलब मुझे अभी यहाँ पर आए मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ है, आधे घंटे में मैं पता अजीब सा फील कर रहा हूँ कि यार कैसी जगह पर आ गया, मतलब ऐसी जगह लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ। तो ये है भाई इनका पंदेरा, पंदेरे में एक टैंक बन रखा है, शायद पानी ये स्टोर करना कहें, और यहाँ पर ये पंदेरा आ रहा है नेचुरल। इसमें भी गर्मियों के टाइम पर दरअसल पानी कम हो जाता है, अभी तो पानी दिख भी रहा है लेकिन गर्मियों के टाइम पर कम हो जाएगा। और यही है पॉपुलेशन इस गाँव की, वो लड़की की शादी हो रखी है, 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं बस। और गांव देखो, गांव कहाँ ऊपर है, वो ऊपर में दिखाई दे रहा है। रह दखन के जाया था, रह दखन के छाया, ये भगवान मतलब कि रहना बहुत मुश्किल है भाई यहाँ पे। भी आ गई हमारे पीछे पीछे गागर लेके, प्योर तांबे का बता, तांबे का देखना आप लोग ना, तुमने जैसे ताई है जैसे बुढ़िया आप पानी लाते, उम्र कत का भाई, पानी बोली उम्र कत का भाई, 50 उम्र हो गई, 52-53 आप भी बोला। और ऊपर से पानी लेके, पानी लेने आए ऊपर से, एक लड़का है कत कंपनी भाई बारह किया ना तीन, हाँ यार एक लड़का, नाम क्या तेरा, आकाश। तो भाई कहाँ जाता था पढ़ने के लिए, गड़ी गया हूँ भाई, गड़ी गया हूँ, पता है यहाँ से कितना दूर है, मतलब वही है 3-4 किलोमीटर तो होगा यार, 3-4 होगा, मतलब इतनी दूर स्कूल है और अकेले ही जाता था भाई साहब इन जंगलों से, मतलब कि अकेले ही जाता था ये बंदा, मतलब ये सोचो मतलब भाई साहब अकेले जाना बहुत मुश्किल वाली चीज है। ताई क्या करे, मुख धो ले, पानी देखना ठंडा है, ठंडा पानी देखना देखना, ताई को हाथ मुंह धोने दो पहले, चलो बढ़िया कहीं पे कॉलेज करता, कॉलेज करने के लिए नौ खाल जाते हैं, चौबटा खाल ओपन वाला प्राइवेट कर रखा है। और सही बात है यार, इतनी दूर से मतलब रेगुलर जाना, मतलब कि कॉलेज जाने के लिए भी तो इतना पैसा चाहिए यार भाई, रोजगार के नाम पे कुछ है ही नहीं, जब पैसा ही नहीं है तो इतना डेली कहाँ से जाना है। अगर फीस भी दे पा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, अगर फीस भी दे रहे हैं कॉलेज की तो। रास्ते देख रहे हो, रास्ते कैसे हो रखे हैं यहाँ पे, बस जो पुराने रास्ते बने होंगे ना वही अभी तक वैसे ही है, बाकी कुछ नहीं है भाई, चेंजेस कुछ नहीं है। नीचे से ना ऊपर गांव में आ चुके हैं फिर से, थोड़ा बहुत यही बोला चाय बना रहा है यार, ए चिनकी। तो ये इनका किचन है, ये जो आउटर किचन मैंने दिखाया था ये वाला, रात को यक में बने था खानो, तो रात को ना यहीं पर खाना बनाते बोला ये ना। और ये इनका अंदर वाला किचन है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चूल्हा है, दिक्कत नहीं आती यहाँ रहने में, अब आदत हो गई ना। अच्छा तो भाई बोल रहा है आदत हो गई बोला यहाँ रहने की ना, बताओ यार। और यहाँ पर देखो पानी के कितने सारे डिब्बे इकट्ठा करके ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पर इकट्ठा कर रखे, क्योंकि यार पानी इतना दूर है कि पानी के लिए बार बार नहीं जा सकते है ना। तो अभी ऐसा करते हैं कि दादी और ताई और भी घर पे आ गए, और मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ा सा घर की तरफ में निकलना है, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि अपने को जंगल के रास्ते से जाना है ना। तो चलो ठीक है दादी, ताई ठीक है, चल भाई, अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी ऐसा करते हैं कि निकलते हैं और चलते चलते दिखाते हैं आपको कि कितना घना जंगल है यहाँ पे ना, किस जंगल से आऊँ मैं यहाँ पे। बाकी ये कुछ गाय, ओए मारने आ रही है भाई तो ये कुछ घर जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे कुछ टूट गए हैं और एक आध घर बचा है यहाँ पे। मतलब यार मैं तो भाई हैरान हूँ इस जगह को देखकर, हैरान मतलब, हैरान का मतलब समझते हैं, बस सोच रहा हूँ कि कैसी जगह है, कैसी कैसी जगह पर लोग रहते हैं और कितनी परेशानियाँ यहाँ पे ना। तो ये जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी हैं यहाँ पे, और अपने को इस जंगल के रास्ते से फिर से निकलना है आगे। अब देखो कितना टाइम लगता है,
लगभग गांव से ना 500 मीटर आगे तक आ गया हूँ। चढ़ाई है यार यहाँ तक ना, थोड़ा सा सांस फूल गई मेरी। और ये देखो, ये पता है क्या है? मैं लेना नहीं चाहता इसका नाम, लेकिन ये लेपर्ड की पोटी है। दरअसल मुझे वीडियो में कई लोगों ने बोला कि ऐसा शब्द इस्तेमाल मत किया करो, पर अभी के टाइम पर मैं जंगल में हूँ और ये चीज़ें जो आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ की सच्चाई है दरअसल ना। अब देखो, मैं इस गांव में आया हूँ, मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना तो अंदर डर का कोई भी माहौल नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये तो यहाँ पर नॉर्मल सी है, क्योंकि इन लोगों को देखने के बाद में अपना वो जो डर था ना ख़त्म सा हो गया भाई। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है इस जंगल से होते हुए, और जैसा कि अभी गांव वालों ने बोला कि अभी के टाइम पर उन्होंने दो बाघ देखे। मैं कोई भोकाल नहीं बना रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो भोकाल कर रहा हूँ कि बाघ बाघ बाघ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी नाम लेने में, ठीक है? क्योंकि मैं अकेला हूँ इस जंगल में और डर लगता है, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ बस कि अपने को इस जंगल से निकलना है और जल्दी से नीचे पहुँचना है। बस वो वाली जो चोटी है ना, वो वाली, ये वाली चोटी जो दिखाई दे रही है, वहाँ तक कैसे भी पहुँच गया तो वहाँ से कोई डर वाली चीज़ नहीं है। फिर तो हम ही हैं यहाँ के राजा ना। हमसे बड़ा कोई तीस मार खा नहीं है यहाँ पे, हमसे बड़ा कोई भोकाल नहीं बना सकता है, राजा आए फिर तो हम यहाँ के। तो निकलते हैं यहाँ से। लुक एट दिस मैन, जब मैं गया था ना ये नहीं था दरअसल यहाँ पे, और ये देखो अभी ताजा ही है। देखो यहाँ पे करखा, देखो बिल्कुल ताजा है अभी, और ये अभी का करखा भाई, अभी का। कोई यहाँ पर तेरे जाने के बाद में भी आया, जंगल में एक ही रूल चलता है कि खुद को ताकतवर दिखाओ, बस बाकी कुछ नहीं है, खुद को बड़ा और ताकतवर दिखाओ। यहाँ पर तार बाड़ कर रखी, ये नीचे पूरा जंगल बनाया जा रहा है दरअसल, तो काफ़ी बड़ा जंगल बनाया जा रहा है। और अपन यहाँ से आ रहा है, पीछे से देख सकते हैं कैसा जंगल है भाई। कोई बात नहीं, मज़ेदार है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपने देखा कि मैं जंगल में अकेले गया, अकेले इस रास्ते से आया हूँ, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। हर चीज़ को ना, हर चीज़ की डर होती है मतलब, ठीक है? और इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। मैंने जैकेट क्यों पहनी उस टाइम पर जब मैं यहाँ को आ रहा था? जैकेट उतार के दरअसल मैं पतला दिख रहा था, ठीक है, कमज़ोर सा दिख रहा था। जैकेट मैंने इसलिए पहनी कि थोड़ा तगड़ा दिखे और थोड़ा साइज़ में बड़ा दिखे, ठीक है? तो जंगल में कभी भी जाओ, खुद को जानवर से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करो, और उसको अग्रेसिव नेचर मत दिखाओ अपना, ठीक है ना? अग्रेसिव नेचर दिखा के होता क्या है कि वो समझता है, जानवर समझता है कि चैलेंज कर रहा है, राइट? तो वो नहीं करना है, बस खुद को ना बड़ा दिखाना है, डर नहीं दिखाना है, ठीक है? कि क्योंकि डर का माहौल जैसे ही बनेगा वैसे ही आपका खेल ख़त्म, समझे? तो इससे कोशिश करो, हमेशा बड़ा दिखाओ और दौड़ो मत, जंगल में दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? दौड़ना खास करके ऐसी जगह पे जहाँ पर के लेपर्ड और ये टाइगर ऐसी चीज़ों का ख़तरा होता है, वहाँ पर दौड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दौड़ना सिंपल सी चीज़ है कि आपके डर की निशानी होता है जंगल में। कहूँगा कि भालू अगर हो तो भालू के सामने अपनी हीरोगिरी नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है? वहाँ से जितना अच्छा हो कि उसकी नज़र में बिना आए खिसक लो बस, ठीक है? जो लोग कहते हैं ना भालू के लिए ढलान पे भागना चाहिए, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ढलान पे और तेज़ भी भागता है, कोई बड़े बाल नहीं होते, कुछ नहीं होते, ना ही उसकी आंखों में बाल आते हैं, ठीक है? हमने देखा, मैंने रियल टाइम पे देखा, अपने इतने नज़दीक देखे हैं, मतलब कि मुश्किल से दो दो फुट का गैप रहा वो भालू और मेरे बीच में ना, इतने नज़दीक से देखे मैंने, ठीक है? तो भालू के सामने हीरोगिरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते हैं कि ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, लाइक कर देना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी।